राधे राधे सभी को, जय जय श्री राधे, लाडली लाल की जय हो। बरसाना धाम की सदा ही जय जयकार हो, जय हो लाडली सरकार की जय हो। श्यामा प्यारी की जय हो, जय हो वृषभान दुलारी की। सभी भक्त एक बार श्री जी के महल का आनंद लीजिए और उसके बाद हम लाइव की और लीलाओं के साथ आगे चलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज कितना फॉग है, सूर्य भगवान के अभी दर्शन अभी धीरे धीरे हो रहे हैं। आज बहुत ठंड है बरसाना धाम में, आज पूरी तरह से ठंड है। इतनी ठंड है कि आज सुबह टेम्परेचर 4 और 5 के डिग्री सेल्सियस था और अब भी बहुत ठंड है। आप देख सकते हैं फॉग बहुत है, लेकिन श्री जी के भक्तों की कोई कमी नहीं है। चाहे किशोरी जी कितनी भी ठंड हो, लेकिन हमें तो बरसाना धाम आना है। श्री राधा बरसाने बारी, हेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधा बरसाने बारी, हेरो पुजारी है गिरधारी। तो आप देखिए महल का आनंद कुछ इस तरह से है, अभी तो आनंद बहुत है। तो सभी भक्तों को राधे राधे, राधे श्याम और श्री लाडली लाल विजयते तराम, सभी को राधे श्याम। और आज 2020 लास्ट और कल से 2021 की शुरुआत होगी। 2020 में आपने फेसबुक के लाइव के जरिए देखिए श्री जी की और बिहारी जी की बहुत सारी लीलाएं आपको जानने को मिले। आपको 2020 में ठाकुर जी से दूर रहना पड़ा, लेकिन ये भी बहुत बड़ी कृपा की बात है कि आप श्री जी की और बिहारी जी की इतनी लीलाएं, इतनी सेवाओं के इतने करीब चले गए कि शायद ही आप अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद आपको नहीं पता होता स्वामी जी महाराज जी के बारे में, श्री जी की सेन के बारे में, श्री जी के भोग के बारे में, श्री जी की चौखट के बारे में, क्या क्या यहाँ की कृपा है, कैसे कैसे चमत्कारी, सब आपको नहीं पता होता। तो कुल मिलाकर देखिए यह भी श्री जी की कृपा थी, जो भी कुछ हुआ इस बीमारी में आप दूर रहे श्री जी से, लेकिन श्री जी ने फिर भी आप पर घर बैठे कितनी कृपा करी। तो आप यहाँ सबसे पहले तो हमारी श्री जी की ध्वजाओं के दर्शन कीजिए और अब श्री जी के महलों की ध्वजाएं भी काफी दिन हो गए, यहाँ भी ये भी देखिए चेंज होंगी। नव वर्ष आ गया है तो नव वर्ष पर ध्वजाएं भी पूरी तरह से सब चेंज होंगी। और आप बने रहिएगा लाइव के साथ, और आज लाइव में स्पेशल मोमेंट मैंने जैसा कहा था कि नित लाइव में नित नए मोमेंट अब आते चलेंगे, क्योंकि नित लीलाएं भी आपको श्रवण करानी है। आपके जो भाव जो होते हैं कि भैया हमें जो चमत्कार, आपके जो पहले जो चमत्कार होते थे जो आप बताते थे, वो सच में हमें भैया बहुत श्री जी के करीब तक ले गए, आप वो सब बताया कीजिएगा। तो जी बिल्कुल, हम जरूर आप तक शेयर करेंगे। बहुत भक्तों को तो शेयर भी किया है, तो यहाँ तक कि देखिए बहुत सारे भक्त तो ऐसे हैं कि जो हमारे टिकटॉक से जुड़े हुए हैं, बहुत हमारे इंस्टाग्राम के जरिए जुड़े, और बहुत हमारे फेसबुक के जरिए, बहुत यूट्यूब के जरिए जुड़े। तो देखिए धीरे धीरे आप जुड़ ही रहे हैं। यहाँ तक कि हमारा जो व्हाट्सएप पर जो ग्रुप है वो 2 कंप्लीट हो गया, तीसरा स्टार्ट हो गया मेरी राधा रानी परिवार 3। और ऐसे ही आपका अगर सहयोग रहा, आपका प्रेम अगर हमें मिला, तो शायद ये ग्रुप बहुत आगे तक जाने वाला है। और इसमें ना अभी तो शुरुआत है, अभी भगवत चर्चाएं सुबह शाम होती है, लेकिन अब और भी आगे की लीलाएं इस ग्रुप के जरिए आपको पता चलेंगी। और एक चीज़ और, मैंने आपको पहले जैसा कहा था कि अब हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, नव वर्ष के साथ ही हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, जिसमें क्या है कि कई भक्त चाहते तो हैं श्री जी के दर्शन करना,
लेकिन अपनी डेली पर्सनल लाइफ में इतने बिजी हैं कि वो नहीं दे पाते हैं लाइव के लिए श्री राधा नाम के लिए समय। तो हमने उनके लिए एक जर्नी स्टार्ट की कि आप घर बैठे अपने बिजनेस में होते हुए भी कैसे ठाकुर जी को पा सकते हैं, कैसे अपने घर वालों को, जो घर वाले जो परेशान करते हैं ना कि राधा नाम में कैसे पागल हो, कैसे आप पागल हो राधा, उनके लिए भी ना हमने एक ऐसी ऐसी वीडियो बनाना स्टार्ट किया है ताकि देखिए उनको तो पता चले, लेकिन जो मेन जो हमारा मोटिवेट है ना, जो हमारा वो है उनके परिवार वालों के लिए कि वो अपने बच्चों को राधा नाम की ओर, राधा नाम की ओर उनके साथ दें, उनके साथ खुद भी गाएं, राधा नाम का प्रचार प्रसार करें। तो आइए अब हम अपने लाइव की शुरुआत करते हैं तुलसी माता से। जय हो तुलसी माता की। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी। जय हो मेरी तुलसी माता। ये हमारे महलों की तुलसी माता है, सच में मेरे प्यारों, ये हमारे महलों की तुलसी माता है। और ये महलों की गौ माता के आप नित्य प्रति जो दर्शन करते हैं, सच में अद्भुत आनंद आपको आता है। और आप एक बार सभी शेयर करते रहिए, देखिए आपके एक शेयर से, आपके एक शेयर से हम श्री जी के कितने करीब पहुंच गए, हम एक शेयर से ना आपके एक एक शेयर से कितने लोग जुड़ गए, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। हमने तो खैर श्री जी की कृपा की वजह से हमने आपको यह सब बताया, लेकिन आपने शेयर करके, आपने ना शेयर करके और भी भक्तों को जोड़ा है। हमारी शुरुआत, फेसबुक की शुरुआत सच बताऊं तो 15 लोगों से हुई थी। तकरीबन आज से 3 महीने पहले की बात है, जब हमने स्टार्ट किया तो 15 लोगों से हमने अपना लाइव स्टार्ट किया। और आनंद मंगल भैया, अरे भैया जी आज तो रुकोगे, रुकोगे आज तो रात को दर्शन करते हुए निकलते रहे, भीड़ में खड़े ना। तो देखिए हमने ना 15 लोगों से हमने अपना लाइव स्टार्ट किया, लेकिन आपकी मेहनत से ना, आपकी मेहनत से आज हम 400 500 600 तक पहुंचे। सच में आपने हमारा साथ दिया, और हमने भी यही चाहा कि हम आपके लिए ऐसी ऐसी भगवत चर्चाएं करें, ऐसे ऐसे आपके लिए दर्शन कराएं जिससे कि आप श्री जी के करीब जाएं। तो देखिए कुल मिलाकर आप एक बार मुझे जरूर कमेंट के जरिए शेयर कीजिएगा, और शेयर भी करते रहिएगा आप, शेयर के साथ साथ कमेंट भी करते रहिएगा, दोनों है, शेयर के साथ साथ कमेंट और कमेंट के साथ साथ शेयर, दोनों आप करते रहिएगा कि आज हमारी किशोरी जू ने कौन से कलर की पोशाक पहन रखी है। अभी मैं जूम नहीं करूँगा क्योंकि जूम के माध्यम से आपको शायद पता चल जाता है, लेकिन आप सब हमें कमेंट करके बताइए कि आज हमारी किशोरी जी ने कौन से कलर की पोशाक पहनकर श्री जी दर्शन देने वाली है, दर्शन दे रही है। आपका एक कमेंट और भी भक्तों को, ऐसे जो भाव आपके जो श्री जी तक पहुंच रहे ना, उनको भी श्री जी तक पहुंचा सकता है। तो शेयर करते रहिए, देखिए शेयर करते रहिए। और राधा नाम का प्रचार तो आपको पता ही है, जिन जिन ने राधा नाम का प्रचार किया, जिन जिन ने राधा नाम गाया, जिन जिन ने राधा नाम की महिमा का गुणगान किया, आयुषी वर्मा जी कहती हैं येलो एंड रेड, अनुदेव चौहान जी कहती हैं ब्लू, नताशा जी कहती हैं येलो पिंक, ऋचा वाजपेयी जी कहते हैं येलो। कुल मिलाकर देखिए सच में अब ये मोमेंट ऐसा चलने वाला है कि आप सभी कमेंट करेंगे। अब आपको ना सभी को कमेंट करना पड़ेगा। डॉली शर्मा जी कहती है पिंक, आपको हर किसी भक्त को कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि आपके कमेंट साक्षात श्री जी तक पहुंचेंगे। श्री जी तक पहुंच रहे हैं, कितने कितने भक्तों के भाव श्री जी को अर्पित होते हैं, तो आप कमेंट तो करते रहिए मेरे प्यारे। वंदना जी कहती है ब्लू, और ऐसे ही सच में बहुत आनंद आता है। और जब ही हमें पता है, जब आप सभी लोगों के जब भाव श्री जी तक पहुंचते हैं, आप श्री राधा रानी के कमेंट पोशाक के बारे में बताते हैं, हमारे साक्षी गोपाल जी के पोशाक के बारे में बताते हैं, तो सच में आनंद आता है। ये मोबाइल कैमरा जी बिल्कुल, और मैं राधा रानी का फोटो, हमारी जो यूट्यूब की वीडियो थी कल, वो
एक पोस्टर की वजह से नहीं डल पाई, पोस्टर वीडियो अपलोड तो हो गई लेकिन पोस्टर की वजह से डिलेड हो गई। अपना मास्क लगा लिया तो आज मैं पोस्टर करते रहिए, आज मैं पोस्टर बन चुका है तो आज वो सुबह ही आपके लिए, सुबह ही बस लाइव खत्म होने के बाद आपके लिए आ जाएगी। और आज ना अब हमारी जो वीडियो है वो और अच्छे यूट्यूब की तरफ से आपके लिए आने वाली है। अब हमारी जो मेहनत है वो और थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, लेकिन आपका सपोर्ट हमारे साथ रहेगा ना तो हम आगे भी ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और श्री जी के चमत्कार तो सच में अभी तो ऐसे ऐसे चमत्कार बाकी हैं जिन्हें मैं श्रवण करूंगा, आपको बताऊंगा ना, आपका हृदय ऐसे झूम उठेगा कि भैया हमें तो बरसाना धाम आना, हमें लाडली जू से मिलना है। तो देखिए आप सभी कमेंट करते रहिए। पूनम शर्मा जी कहती हैं येलो, थर्सडे है, गुरुवार है तो येलो होगा। कुल मिलाकर तन्वी जी कहती हैं येलो। तो देखो मेरे प्यारे भक्तों, कमेंट तो कीजिए, कमेंट करते रहिए। अब हम चल रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी के पास और मैं आपको लाइव के माध्यम से ही पोशाक के दर्शन कराऊंगा और देखते हैं आज हमारी किशोरी जी कैसे कृपा करेगी हमारे ऊपर। सभी बने रहिएगा और श्री जी की चौखट के भी दर्शन करेंगे। और भी भक्त हैं, जैसे मीनाक्षी विपिन जिंदल जी कहती हैं ग्रीन। कुल मिलाकर देखिए जिन जिन के जो नाम लग रहे हैं ना, ये सच में श्री जी की कृपा है, जो श्री जी के महलों में उनका नाम लिया जाता है। अगर मैं इस बारे में अगर वर्णन करूंगा ना कि श्री जी के महलों में अगर नाम लिया जाए उस पर कैसे कृपा होती है, तो आप खुद नित्य प्रति अपने नाम के लिए कहोगे भैया हमारा नाम लीजिए ना, खुद कहोगे आप, वो कृपा है श्री जी के महलों की। और श्री जी के महल में शीत ऋतु है तो हीटर लगा हुआ है और रात्रि में तो सच में बहुत आनंद आया, दो हीटर, एक छोटा हीटर एक बड़े हीटर के साथ साथ पुजारी जी को भी चरण सेवा में बहुत आनंद आता है। और आइए अब हम चलते हैं गौ माता और लड्डू गोपाल जी के दर्शन करने के लिए। आप शेयर करते रहिएगा, आपके एक शेयर से ना और भी भक्त लाइव में जुड़ते हैं और लाइव का आनंद लेते हैं। यह हमारे महलों की गौ माता बुआ जी राधे श्याम, जय हो। और बुआ जी ठीक हो, सर्दी बहुत है जी। देखिए आपको हमारी जो बुआ जी के बारे में भी नहीं पता है, बहुत लोगों को मैं आज इनकी ही चर्चा करता हूँ कि इन पर श्री जी ने कैसे कृपा करी। ये मैं आपको आज ना इनकी सत्य घटना जो मैंने महसूस की वो मैं आज आपको लाइव के माध्यम से बताऊंगा। तो आप शेयर करते रहिएगा ताकि और भी भक्त ना हमारी लाइव से जुड़े। तो सबसे पहले तो हम लड्डू गोपाल और गौ माता के श्री चरणों में मत्था टेकेंगे और इनके चरणों में हाजिर लगाएंगे। और पता है भुआ जी की जो सत्य घटना है वो सच में आपको ना भाव विभोर करने वाली है, बने रहिएगा। और श्री जी के लिए, श्री जी के महलों के दर्शन के लिए थोड़ी देर के लिए आप बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ इनके श्री चरणों में मत्था टेकते हैं और राधे राधे बोलते हैं, क्योंकि ये ना हमारे महलों के गोपाल जी हैं। श्री जी की जो नज़र जब इन पर पड़ती है ना, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी कृपा कितनी होगी। तो यहाँ हमारे महलों की गौ माता और हमारे मोर भगवान और गौ माता की छोटे से गौ बालक भी हैं। तो आप यहाँ राधे राधे बोलकर लाइव को शेयर करते रहिएगा और आपके एक शेयर से ना और भी भक्त लाइव से जुड़ेंगे। और यहाँ हमारे सोनू गोस्वामी जी, और सच में अब तो सोनू गोस्वामी जी आनंद आ रहा है, बहुत भक्त आते हैं ना आपके पास, आते हैं ना आपके लिए देकर भी जाते हैं, बहुत भक्त आते हैं, इनसे मिलते हैं, इनकी जो भी है श्री जी ने इन्हें ना अपने पास रखा, इतना होने के बावजूद भी श्री जी ने अपने नित्य प्रति दर्शनों के लिए अपने पास रखा। तो भक्त आते हैं जब इनसे मिलते हैं ना, इनके लिए भी देकर जाते हैं। सच में इनकी मदद मेरे हिसाब से तो सच में बहुत ही प्यारी है कि ऐसों की मदद करो जो सच में उन तक पहुँचे। और आप समझ सकते हैं कि इस बैसाखी के साथ साथ सोनू जी नित्य प्रति श्री राधा रानी का दर्शन कर रहे हैं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी कृपा की बात है कि कई भक्त तो अपना सब कुछ होने के बावजूद भी बरसाना धाम में रहते हैं और नित्य प्रति दर्शन नहीं कर पाते। ये लोग, ये गोस्वामी जी नित्य प्रति बरसाना धाम में रहकर श्री जी के दर्शन तो करते हैं, तो ये सच में इन पर श्री जी की बहुत ही प्यारी कृपा है। और आइए अब हम चलते हैं, नई साल मनवाएंगे, बहुत लोग लेकर आएंगे, नई साल भी बनेगी। तो आइए अब हम स्वामी जी महाराज जी की, जय हो भैया, और क्या हाल चाल है, जय बढ़िया, कहाँ से आए हो,
अच्छा दिल्ली, तो आज रात्रि में यही मस्ती लेनी है तुम्हें कुल मिलाकर सभी। जय हो जय हो। डंडो डंडोत भैया जय हो। तो आइए हम यहाँ स्वामी जी महाराज जी के चरणों में अपनी हाजिर लगाते हैं, और आप भी शेयर करते रहिएगा, और बुआ जी की सच में जो सत्य घटना है ना वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। कमेंट करते रहिए श्री जी की पोशाक के बारे में कि हमारी श्री लाडली जी ने कौन से कलर की पोशाक पहनकर आज दर्शन देने वाली है। अनु शर्मा जी कहती हैं पिंक। कुल मिलाकर कमेंट में ना मुझे तो आनंद आता है। तो यहाँ देखिए मैं एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ ना श्री जी के लिए जो भोग लगता है शीतकालीन में ना, ये खिचड़ी का भोग जो चल रहा है वो नित्य प्रति जो चलता है, तो यहाँ ये भोग स्वामी जी महाराज जी के लिए भी रखा गया है, क्योंकि श्री जी के हर भोग के बाद स्वामी जी महाराज जी को भोग लगाया जाता है। तो आइए अब हम चलते हैं, जो आपका सस्पेंस है उसे दूर करने के लिए, जो आपके भाव है लाडली जी तक आपने जो पहुँचा है ना उसे हम दूर करने के लिए चलते हैं। तो यहाँ एक प्यारा सा दोहा, सदा सदा मैं चेरी तेरी तब रति रस उमहानी, चरण शरण में सखी स्वामनी करूं सदा मनमानी, जहो करूं सदा मनमानी। और ऐसे ही हमारे श्री जी के महलों में बहुत सारे दोहे हैं, आप आकर इनका भी श्रवण कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। और आइए अब हम चल रहे हैं श्री जी की नित्य प्रति की जो हमारी लीला है श्री जी की पोशाक का, तो मैं देखता हूँ कहाँ से आपको मैं पोशाक के दर्शन करा सकता हूँ। और सभी शेयर कर दीजिएगा अगर आपको पता चल जाए ना। अंजना पाल जी कहती हैं ग्रीन, हिमानी जी कहती हैं रेड, निशा राजपूत जी कहती हैं रेड एंड येलो। कुल मिलाकर सभी कमेंट कर रहे हैं, सच में अच्छा लगता है। तो आइए मैं अब श्री जी की सखियों के साथ साथ श्री जी की उस दिव्य पोशाक के दर्शन कराने वाला हूं, जिसके लिए आपको बेसब्री से इंतजार था। जय हो राधा रानी की, जय हो श्यामा प्यारी की, जय हो राधा रानी की, जय हो श्यामा प्यारी की। शायद ही आप सभी भक्तों को शायद दर्शन हुए होंगे, शायद आपको दर्शन हो चुके होंगे कि श्री जी ने आज सनील की पोशाक पहन रखी है। अगर जिन जिन को दर्शन हो गए हैं श्री जी की पोशाक के, तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइए कि श्री जी ने कौन सी पोशाक पहन रखी है। मैं जानूं तो सही कि आप को श्री जी के पोशाक के दर्शन हुए हैं नहीं हुए हैं। साक्षात आज श्री जी ने ना गोल्डन कलर का गोटा है और येलो कलर की पोशाक है श्री जी की, नहीं सॉरी येलो की नहीं, ब्लू कलर की, ब्लू सनील की पोशाक हमारी श्री जी ने पहन रखी है, जो कि आज श्री जी का प्रिय कलर है, जो कि श्री जी का प्रिय कलर है। आप समझ सकते हैं कि श्री जी ब्लू कलर की पोशाक में, देखिए पिंक जो कलर है ना, पिंक कलर की स्टॉल है, देखो पिंक कलर की स्टॉल है, जो पोशाक है वो ब्लू कलर की है, डार्क ब्लू सनील कलर, सनील की पोशाक है, पिंक कलर की स्टॉल श्री जी ने डाल रखी है, पोशाक ब्लू कलर की है। और आप यहाँ दर्शन कीजिए हमारी ललिता सखी, जो कि साक्षात हमारे हरदास जी का अवतार, आप यहाँ दर्शन करते रहिए राधे राधे बोलकर, और देखते हो जय हो राधा रानी की, जय हो श्यामा प्यारी की, जय हो राधा रानी की। तो आपको आपको ना श्री जी की बहनी के भी दर्शन हुए हैं, श्री जी की नीले रंग की पोशाक है और पिंक कलर की स्टॉल है, और बैनी के भी आपको दर्शन हो रहे हैं। जय हो मेरे प्यारे, आज आपको ना श्री जी ने बैनी के दर्शन दिए हैं, अद्भुत आनंद, अद्भुत 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 अद्भुत, आज सभी सभी को श्री जी की बैनी के दर्शन हुए हैं। श्री जी ने ना हम पर कृपा करी है, लाडली जी ने हम पर कृपा करी है, आज डार्क ब्लू कलर की सनील की पोशाक है। यहाँ हमारे पुजारी जी भी देख सकते हैं इतनी शीत में सर्दियों में कैप मफलर जैकेट पूरी तरह से लैस है, बिल्कुल आनंद ऐसे ही होना चाहिए। और अब हम चल रहे हैं हमारी जो बुआ जी की, जो बुआ जी की जो मैं आपको चमत्कार जो सत्य घटना वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, बने रहिएगा। आज बिल्कुल कृपा हो गई, जिन जिन भक्तों ने ब्लू कलर बोला उन पर सच में कृपा हुई, और लाडली जी सब पर कृपा करती हैं, और आपकी हाजिरी भी ना श्री जी के चरणों में ऐसे ही लगती रहेगी। और आइए अब हम चल रहे हैं, श्री जी की बहनी के दर्शन हो गए, और आज मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि आज हमारे साथ हमारे परिवार के, आप जानते हैं हमारे ग्रुप के एडमिन हैं नीरज सभरवाल जी, जो कि लुधियाना से चल दिए हैं, और आज शाम को हमारे साथ लाइव में भी होंगे, बस कुछ ही देर में आने वाले हैं नीरज भैया। और जो कहते हैं ना कि भैया बरसाना कहाँ दूर है, बरसाना दूर नहीं है, सच में दूर नहीं है, वो पंजाब से रात्रि को चले, और रात्रि में चलने के बाद बस कुछ ही
क्षणों में आने वाले हैं श्री जी के महल बरसाना धाम में, तो आप समझ सकते हैं कि देखिए भर लॉकडाउन में भी श्री जी ने उन पर कृपा करी। भर लॉकडाउन में कहते हैं ना भैया दिल्ली से कैसे आया जाएगा, दिल्ली से कैसे आएंगे, तो कई परिस्थितियां ऐसी होती है कि नहीं आया जा सकता, लेकिन श्री जी कृपा करेगी तो आपको दिल्ली से भी क्या, मुंबई से भी, कोलकाता से भी, चेन्नई से भी, पंजाब से भी, हर जगह से आपको खींच लाएगी। जैसे नीरज भैया पर श्री जी ने कृपा करी है, ऐसे ही श्री जी सब पर कृपा करें। अभी रास्ते में हैं वो, कुछ ही देर बाद वो आने वाले हैं, तो आप यहाँ हमारे फूल वाले बाबा भी आ चुके हैं। और चलिए मैं आपको ना जो कथा है जो सत्या भुआ वाली, इनका नाम सत्या जी है, उनके भुआ जी का नाम, जब सब लोग उन्हें भुआ जी कहते हैं, तो मैं चलिए आपको वो अपनी सत्य घटना आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए सर्दियों का टाइम था, सभी शेयर जरूर करते रहिएगा, कि वैसे तो शायद बहुत भक्तों ने सुन भी रखी है टिकटॉक के माध्यम से, लेकिन जो भी भक्त नए आए हैं वो जरूर सुनिएगा कि सर्दियों का टाइम था, सर्दियाँ स्टार्ट ही हुई थी, तो भुआ जी दर्शन करने के लिए आई, तो मैंने भुआ जी से कहा कि भुआ जी सर्दी आने वाली है, तो आप ऐसा कीजिए कि श्री जी के लिए ऊन की पोशाक बनाइए, श्री जी के लिए ऊन की पोशाक बनाइए, अब लाडली जी ऊन की पोशाक पहनेंगे। तो भुआ जी ने सुना, कहने लगी पुजारी जी मेरे पास तो नपाना नहीं है लाडली जी का, मैं कैसे ऊन की पोशाक बनाऊंगी, उन्हीं की बात हो रही है जो आपने अभी लाइव में देखा था, इतनी उम्र होने के बावजूद भी कहते मुझ पर तो नपाना नहीं है लाडली जी का, आप अगर नपाना दोगे तो मैं आज से ही स्टार्ट करूंगी श्री जी की पोशाक बनाना। तो मैंने कहा ठीक है बुआ जी, मैं बिल्कुल आज ही जब श्री जी को सहन कराऊंगा तब मैं आपको वो नपाना दूंगा। तब मैंने श्री जी की बिल्कुल सटीक बिल्कुल नपाना, एक एक श्री जी के विग्रह का एक एक बारीकी से उनको नपाना दिया। बुआ जी ने जब वो नपाना जब देखा ना, तो उनकी आंखों से आंसू आ गए कि श्री जी इतनी छोटी सी प्यारी सी है। मैंने कहा हाँ हमारी किशोरी जी बहुत प्यारी है। तो भुआ जी ने वह पोशाक बनाना स्टार्ट कर दिया, उसी दिन से श्री जी के लिए पोशाक बनाना स्टार्ट कर दिया। सुबह दोपहर शाम रात लगी रहती थी, कई दिन श्री जी की पोशाक में चलते रहे। मैंने भी इनसे एक दिन पूछ लिया बुआ जी पोशाक बनी या नहीं बनी, बुआ जी कहते बस कुछ ही दिनों में श्री जी की पोशाक कम्प्लीट होगी। तो बुआ जी उस पोशाक के लिए ना अपना कई बार तो अपना खाना भी छोड़ देती थी, कई बार अपना खाना भी नहीं खाती थी, उस पोशाक में ही इतनी लीन हो जाती, राधा नाम के सहारे लीन हो जाती कि अपना भोजन भी त्याग देती थी। रात्रि में कई बार वो बिना भोजन के भी सोती थी, जो मिलता वो खा लेती थी। लेकिन जब कई दिन हो गए तो मैंने बुआ जी से कहा बुआ जी आज बहुत ठंड है, कल भी बहुत ठंड होगी, तो आपकी जो पोशाक है वो कंप्लीट हो गई हो तो मुझे भिजवा देना। तो बुआ जी ने एक ही कहा कि आज रात्रि में वो पोशाक कंप्लीट हो जाएगी, मैं कल सुबह मंगला में उस पोशाक को श्री जी के महलों में पहुंचवा दूंगी। तो बिल्कुल ठीक था, मैंने कहा ठीक है आप सुबह किसी के जरिए वो पोशाक पहुंचा देना। तो रात्रि में जब श्री जी की जब मैंने सहन कराई, श्री जी के चरण दबाए, प्यारे प्यारे श्री जी के चरण जो कोमल माखन से भी ज़्यादा प्यारे ना, उनको श्री जी को इत्र लगाकर, सर्दियों का टाइम था तो उस समय हिना और केसर की श्री जी की चरण मालिश करी। जब उसके बाद जब मैं श्री जी के महल में प्रसाद पाने के लिए जब बैठा हुआ था श्री जी के महल में, तो उस दिन क्या हुआ ध्यान से सुनिएगा, ये बिल्कुल मेरा खुद का पिछली साल का रिसेंटली चमत्कार है, पिछली सर्दियों का। तो नित्य प्रति मैं श्री जी के महलों में प्रसाद पाता और भोजन भी पच जाता, प्रसाद पच जाता, तो उसके लिए सीढ़ियों के रास्ते से जाता था। उस दिन क्या हुआ, जैसे ही मैं बैठा तो पुजारी जी ने मुझे एक ही बात कही कि आज जो पत्तल है वो खत्म हो गई है, ऐसा कीजिए आप प्रसाद नीचे अपने घर ले जाइए, घर पर प्रसाद पा लेना। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने मुझे प्रसाद एक पॉलीथिन में कैरी बैग में पैक करके दिया। तो मैंने सोचा कि आज प्रसाद लेकर जाना है, तो मैं बाइक के रास्ते से पीछे वाले रास्ते से होता हुआ नीचे चला गया। जब नीचे की ओर जब लौट रहा था तो उसी रास्ते में बुआ जी का घर था, तकरीबन रात्रि के ना 8:30-9 बजे की बात थी। रात्रि में जब मैं लौट रहा था तो मुझे बुआ जी के घर दिख गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सुबह वो पोशाक ली जाएगी, क्यों ना मैं उस पोशाक को अभी लेकर रख लूँ, सुबह जब मंगला में आऊँगा तो उस पोशाक को साथ लेकर आऊँगा। तो जब मैं जैसे ही 9 बजे बुआ जी के घर पहुँचा, मैंने गेट खटखटाया, गेट खटखटाने के बाद मैंने कहा बुआ जी, तो कहने लगा कौन, मैंने कहा चंदर, तो कहते अरे बेटा आप, अरे पुजारी जी आ गए, पुजारी जी आ गए। उनके चेहरे की प्रसन्नता कुछ इस कदर थी,
इस कदर थी कि वो पागल सी हो गई। तो कहने लगी सबसे पहले तो आप अपने जो हस्तकमल है, अपने जो हस्तकमल है, जो श्री जी की चरणों की सेवा करके आप राधे श्याम परिक्रमा करनी है, हमें कैसे होगी परिक्रमा? नीचे से होगी, ऊपर से नहीं होगी। ऊपर से शॉर्टकट, आप यहाँ से जाइए, आ जाइए 2 मिनट में बरसाना, यहाँ से जाओगे वहाँ से आप आ जाओगे, बस 2 मिनट में आपकी परिक्रमा हो जाएगी। जय हो, जय हो, राधे राधे, जय हो राधे श्याम भैया। तो क्या हुआ, जब मैंने बुआ जी के पास जब मैं पहुंचा तो बुआ जी देखकर सबसे पहले बोलती है कि पहले तो आप जो अपने हस्तकमल है ना वो मेरे सिर पर रखो, मेरे सिर पर रखो। मैंने कहा क्यों बुआ जी? तो कहती है कि आप श्री जी की ना चरण सेवा कर आए हैं, आप श्री जी की चरण सेवा करके आए हैं, तो आप जो आशीर्वाद है वो हमें श्री जी के चरणों का जो आशीर्वाद है वो हमारे सिर पर रखो, हम तो धन्य धन्य हो जाएंगे कि श्री जी के चरणों से जो लगी हुई इत्र है वो हमारे मस्तक पर लगेगी, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। तो हमने जब उनके सिर पर जब हाथ रखा, जब इस तरह से उन्होंने अपने नेत्रों पर हमारे हाथों की उंगलियों को इस तरह से फेरा, सच में उनके जीवन में बहुत आनंद आया। और फिर जब उन्होंने जब पोशाक जब निकाली थी तो कहने लगे पुजारी जी यह पोशाक तैयार हो चुकी है, आप ये पोशाक ले जाना। और जब मेरे जो हाथ में जो प्रसाद था ना वो मैंने प्रसाद बुआ जी को ही दे दिया, और जैसे ही मैंने वो प्रसाद बुआ जी के हाथों में दिया तो बुआ जी रोने लग गई, बुआ जी रोने लग गई। मैंने कहा बुआ जी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो कह रही थी कि मैं क्या बताऊं पुजारी जी, मैं क्या बताऊं आपको कि श्री जी ने ऐसी कृपा करी, शायद मैं सोच ही नहीं सकती ऐसा चमत्कार किया। मैंने कहा क्या हुआ बताइए तो सही। कहते हैं कि पुजारी जी आज मैं बिना खाए ही सो रही थी, आज मैं बिना भोजन किए ही सो रही थी, कुछ नमकीन प्रसाद लिया, मैं बिना खाए ही सो रही थी, लेकिन श्री जी ने मेरे लिए यह प्रसाद भेजा। तो मैंने कहा बुआ जी मैं नित्यपति श्री जी के प्रधाई श्री जी के महलों में प्रसाद पाता हूँ, लेकिन आज वो आपकी भक्ति पर रीझ गई है, आज वो आपकी भक्ति पर रीझ गई है और दोना पत्तल के बहाने आप तक प्रसाद पहुँचा दिया। ऐसी थी हमारी किशोरी जी की लीला, ऐसी थी हमारी किशोरी जी की लीला, ऐसे चमत्कार करती है हमारी किशोरी जी कि दोना पत्तल के बहाने से ही अपने भक्तों तक प्रसाद पहुँचा देती है। ये वही बुआ जी थी जिनके आपने अभी दर्शन किए और आप हमारे लाइव के माध्यम से ना नित्य प्रति जो दर्शन करते हैं, सच में अद्भुत आनंद आपको आता है। और आज बहुत भक्त अपना नव वर्ष मनाने के लिए यहाँ आ चुके हैं राधे श्याम, और आज रात्रि में बड़ी धूमधाम से आनंद के साथ सभी भक्त नाचेंगे, कहते हैं नए साल मनाने आ गए श्री जी तेरे बरसाने में। भैया नया साल आप जैसे भी मनाइए, चैत्र में मनाइए, यहाँ मनाइए, लेकिन मनाइए राधा नाम के साथ, मनाइए राधा नाम के साथ, क्योंकि राधा नाम परम सुखदाई, राधा नाम परम सुखदाई, जो परम जो सुख है ना, और देखिए जो परम सुख है वो है श्री जी के चरणों में, श्री जी के राधे राधे, जय हो भैया राधे श्याम। जो परम सुख है ना वो श्री जी के चरणों में है, ठाकुर जी को जो परम सुख मिलता है ना वो मिलता है हमारी किशोरी जी के चरणों में। तो आप भी अपने परम सुख को, अपने नव वर्ष को श्री जी के चरणों में बताइए, श्री जी के चरणों में बताइए, आइए तो सही, सच में जन्नत भी फीकी लगेगी श्री बरसाना धाम का अगर आपने नया साल मनाया। शायद विचार है कि हम आपको मंगला आरती भी लाइव कराएंगे, कल नव वर्ष की जो लाइव आरती होगी मंगला आरती वो हमारे पेज के माध्यम से होगी, ऐसा विचार चल रहा है। अगर आपका साथ तो हमें मिलता ही है, जैसे भी होगा हम पोस्टर के माध्यम से आपको जरूर करेंगे, अभी तो रात्रि है, रात्रि के लाइव में हम आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे। और नव वर्ष ना आप दूर हैं श्री जी से, लेकिन आप मंगला आरती श्री जी के साथ करोगे, शायद अगर श्री जी ऐसी कृपा करें तो आपकी मंगला आरती की जो घंटी घड़ावल होगी, श्री जी की जो मंगला आरती होगी, जैसे शयन आरती होती है उसी तरह राधे राधे की गूंज से हमारा बरसाना धाम गूंज रहा होगा, उसी मस्ती में हमारे साथ मानसिक रूप से आनंद लीजिएगा, आनंद आएगा, सच में अद्भुत आनंद आएगा, लीजिए तो सही, सच में आपको बहुत आनंद आएगा। और आप ऐसे ही नित्य प्रति श्री राधा नाम के सहारे मेरा जीवन मरण, ओ राधा नाम के सहारे मेरा जीवन मरण,
ओ मन भूलू मत जइयो राधा रानी के चरण। आज श्री जी की नीले रंग की पोशाक में ना गोल्ड कलर की सोने की जो चंद्रिका है वो इतनी प्यारी लग रही है, सच में बहुत प्यारी है। और आज श्री जी के पूरे मुख के दर्शन हो रहे हैं, पूरे मुखारविंद के दर्शन हैं। और जब श्री जी के पूरे मुख के दर्शन होते हैं ना, तो आप समझ सकते हैं कि दर्शन करने में ना ऐसा आनंद आता है, ऐसा लगता है कि हम किशोरी जी के कितने करीब आ गए हैं, हम किशोरी जी के कितने करीब आ गए हैं। देखिए आयुषी वर्मा जी कहते हैं अभिषेक तो जो होगा वो श्री जी के महल में अंदर ही होता है, सिर्फ जो अभिषेक है वो सिर्फ राधाष्टमी का ही आप सभी भक्तों को दिखाया जाता है, अदरवाइज अभिषेक श्री जी के मंगला में ही, मंगला के टाइम, मंगला के बाद श्रृंगार में होता है। वैसे तो आपको अभिषेक में ही दर्शन कराए जाएंगे। कल नववर्ष है तो श्री लाडली जी को भक्तों के द्वारा अभिषेक सेवा होती है, अभिषेक भी श्री जी को नववर्ष पर कराया जाता है, अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने परिवार को नववर्ष राधा नाम के सहारे। देखिए कई भक्त राधा नाम के सहारे, राधे राधे के सहारे श्री जी का अभिषेक कराते हैं, श्री जी का भोग सेवा कराते हैं, कई भक्त करा भी रहे हैं। जब सच में देखिए उन सबके भाव हैं, जो जैसा श्री जी के प्रति जिसके जैसे भाव होते हैं श्री जी उनसे वो सेवा स्वीकार करती है। और कुछ देर हम श्री जी के बाहर वाले प्रांगण में आनंद लेंगे, क्योंकि सूर्य भगवान आ चुके हैं। सूर्य भगवान श्री जी के महलों में आ चुके हैं। यहाँ मौसम अब कुछ देर में खुलने वाला है, आप यहाँ भी आनंद लेते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। और आज यहीं से हम आपको कमेंट के माध्यम से लिए चलेंगे, क्योंकि सभी कमेंट कीजिएगा कि हमारे साक्षी गोपाल जी ने आज कौन से कलर की पोशाक पहन रखी होगी। और चलते हैं हम आगे की ओर, अपने लाइव को आगे की ओर लिए चलते हैं, राधे राधे के सहारे हम आगे की ओर चलेंगे। हो बरसानो जानो तेने रख्यो न राधा नाम, तो तेने जानो कहा जज को तत्व महान। हरे बरसाने की आस को आस करें शिव शेष, और जाकी महिमा को कहे यहाँ कृष्ण धरे सखी वेश, यहाँ कृष्ण धरे सखी वेश। श्री राधा श्री राधा श्री राधा मेरी श्री राधा। तो अब हम श्री जी के महलों की परिक्रमा देते हुए लाइव को आगे लिए चलते हैं, और श्री जी के महलों की ये परिक्रमा आप 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। अगर आप श्री जी के महलों की परिक्रमा लगाना चाहें तो 2 मिनट में श्री जी के पीछे वाले रास्ते से होते हुए मेन सीढ़ियों से चढ़ते हुए आप परिक्रमा लगा सकते हैं। और यहाँ तक कि आपने कई बार देखा भी होगा कि जो हमारे संत विनोद दास बाबा पहले तो बरसाना धाम की परिक्रमा लगाते हैं, और बरसाना धाम की परिक्रमा लगाने के बाद श्री जी के महलों की 7 परिक्रमा लगाते हैं। श्री जी के महलों की 7 परिक्रमा विनोद बाबा लगाते हैं। और आप भी अगर नहीं है आपके पास इतना टाइम कि श्री जी की पूरी जो 4 किलोमीटर की जो परिक्रमा है अगर वो नहीं लगा सकें, फिर भी आप मानसिक रूप से 2 मिनट में श्री जी के महलों की परिक्रमा लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज मुझे साक्षी गोपाल जी की जो पोशाक के बारे में है ना, तो ज़्यादातर तो कमेंट आ रहे हैं येलो कलर के। देखते हैं आज साक्षी गोपाल जी किन किन भक्तों पर कृपा करते हैं, और कृपा तो बनी रहेगी। आयुषी वर्मा जी कहते हैं पिंक एंड येलो। तो कुल मिलाकर जो आज की रात्रि की जो लोरी होगी वो सच में अद्भुत होगी, और नव वर्ष की भी लोरी आप आनंद लीजिएगा। हम आ चुके हैं श्री जी के महलों में, तो हम पता यहाँ से जब आते हैं, इस रास्ते से होते हुए आते हैं, तो इस रास्ते से होते हुए फिर से श्री जी के महलों में चढ़ जाते हैं। तो यहाँ हमारी जो बरसाना धाम में श्री जी के महल की जो परिक्रमा है वो यहाँ कंप्लीट होती है। यह 2 मिनट का रास्ता है, आप 2 मिनट में श्री जी के महलों की परिक्रमा साक्षात श्री जी की परिक्रमा लगा सकते हैं। जय हो राधा रानी की। और
ये हमारे श्री राधा रानी का, ये हमारे श्री राधा रानी का सबसे पुराना मंदिर है, जो कि लखा बंजारा द्वारा बनवाया गया, और इसकी जो वीडियो है वो भी कंप्लीट हो गई है, वो कुछ ही एक या दो दिन में आपके साथ आने वाली है, कि लखा बंजारा पर कैसे कृपा करी हमारी किशोरी जू ने, लखा बंजारे पर कैसे कृपा करी हमारी किशोरी जू ने, तो यह वीडियो भी हम आपको जरूर YouTube के माध्यम से दिखाएंगे, और देखते हैं आज श्री जी ने तो ब्लू कलर पहना, कई भक्तों ने ब्लू भी बोला है, श्री जी आज तो अपना प्रिय कलर पहनकर दर्शन दे रहे हैं सभी भक्तों को, सुनील की पोशाक है, श्री जी के पूरे मुख के दर्शन हो रहे हैं, श्री जी ने स्वर्ण चंद्र का है, प्यारा सा चंदन है, लाडली जी का ना बहुत ही प्यारा सा चंदन है, और हमारी श्री राधा, आइए हम यहाँ सबसे पहले ब्रह्मा जी महाराज जी के दर्शन करते हैं, उनके श्री चरणों में हाजिरी लगाते हैं, राधे राधे बोलकर अपने लाइव को आगे की ओर लिए चलते, जय हो ब्रह्मा जी महाराज जी की जय, और हमारे नित्य पति के जो दर्शन है श्री राधा रानी के चरण चिन्हों के, यहाँ भी है, हम हाजिर लगाते हैं, तो आप भी शेयर करते रहिएगा और राधे राधे तो बोलते रहिएगा, और राधा रानी से ना उस दिव्य शक्ति को पाइएगा, जिस दिव्य शक्ति को पाने के लिए आप तरसते हैं, बिहारी जी से मिलना है तो यहाँ पहले मत्था टेकना पड़ेगा आपको, यह हो काम धेनु गौ माता की जय हो, बिहारी जी से अगर मिलना है ना आप, बिहारी जी बहुत जाते हैं, लेकिन बिहारी जी से मिलने से पहले ना आप श्री जी के श्री चरणों में आपको हाजिरी लगानी पड़ेगी, आपको राधा नाम लेना पड़ेगा, राधा नाम के सहारे मेरा जीवन मरण मन भूल मत जइयो, राधा रानी के चरण, राधा रानी के श्री चरणों में आपको हाजिरी लगानी पड़ेगी, तब जाकर बिहारी जी आपको दर्शन देंगे, इधर हमारे सूर्य भगवान के भी दर्शन आपको हो रहे हैं, और आज रात्रि का जो लाइव है 7:30 वाला वो भी आप मिस मत कीजिएगा, और दूसरा जो हमारा बांसुरी चैनल, जो पूनम दीदी का जो बांसुरी चैनल है यूट्यूब चैनल, जिस पर कि आप 9 वर्ष मनाइएगा, सच में हम भी आनंद लेंगे 9 वर्ष में, वहीं श्यामा श्याम आश्रम में वहीं हमारी 9 वर्ष होगी, रात्रि का टाइम राधा नाम के साथ होगा, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो YouTube के माध्यम से आप जरूर आनंद लीजिएगा, इतना ही आनंद आएगा जितना हम लाइव में लेंगे, वहीं आप घर बैठे लीजिएगा, और आज की लोरी बहुत स्पेशल है रात्रि में, और आज एक और चीज़ स्पेशल होगी श्री जी की शयन आरती में, तो शयन बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ठीक 7:30 बजे हमारा लाइव स्टार्ट होगा, और लाइव स्टार्ट होते ही 8:15 तक श्री जी की जो शयन आरती होगी वो बहुत ही प्यारी होगी, आज शायद श्री जी कृपा करें तो कुछ स्पेशल आपके लिए हो सके, श्री जी की कृपा के बिना तो कुछ नहीं होता, यहाँ आप दर्शन कीजिए बजरंगबली जी के, और यहाँ हमारे रसिक बिहारी जी के दर्शन कीजिए, देखिए शीत ऋतु में यहाँ भी किस तरह से सॉल उड़ा रखा है, तो आप भी अपने ठाकुर जी को ऐसे लाड़ लड़ाइए और ठाकुर जी को देखिए सर्दियों से बचाइए, उनके लिए ना हीटर लगाइए सर्दियों में, हीटर भी ना हो तो देखिए चोले की जो गर्म अंगीठी है ना, अंगीठी वो लगाकर ठाकुर जी को ऐसी ऐसी सेवा कीजिए, देखिए भाव की सेवा है, अपने गोपाल जी को अपने हाथ गर्म करके उनके चेहरे पर लगाइए, उनके गालों पे लगाइए, उनके बदन पे लगाइए, उन्हें महसूस कराइए भाव, जो मैं आपसे कई बार कहता हूँ, देखिए ऐसे सेवा कीजिए, लाड़ की सेवा कीजिए अपने गोपाल जी से, धन की सेवा नहीं मन से सेवा कीजिए, ठाकुर जी को मन से रिझाइए, और यहाँ हम दादी बाबा के दर्शन कर रहे हैं, और आपकी जो साक्षी गोपाल जी वाली पोशाक का जो कमेंट है वो बस कुछ ही देर में कंप्लीट होने वाला है, तो यहाँ आप श्री राधा रानी के दादी बाबा के दर्शन कर रहे हैं, बाबा महिबान जी और दादी सुखदा जी के दर्शन आप नित्य प्रति करते हैं, तो श्री जी की भी कृपा आप पर होगी, क्योंकि आप उनके दादी बाबा के दर्शन करते हैं, जय हो लाडली लाल जू की, जय हो श्यामा प्यारी की,
और अब हम चल रहे हैं साक्षी गोपाल जी के दर्शन करने के लिए, तो बने रहिएगा हमारे लाइव के साथ और अपने भावों के साथ, जो आपके भाव है ना वो साक्षी गोपाल जी तक कितने पहुंचते हैं, किस किस के भाव साक्षी गोपाल जी को अर्पित होते हैं। तो सभी भक्त श्री जी की महलों के दर्शन के साथ साथ साक्षी गोपाल जी के दर्शन करने वाले हैं, पहुंच चुके हैं ठाकुर श्री साक्षी गोपाल जी के। और यहाँ आज लाइट येलो कलर की पोशाक साक्षी गोपाल जी ने पहन रखी है और स्थित ऋतु इतनी है कि जहाँ भी कंबल उड़ाकर ऐसे सुंदर भाव से ठाकुर जी की सेवा की गई है। तो जिन भी भक्तों ने येलो कलर अगर बोला है तो सच में साक्षी गोपाल जी ने आपके भावों को स्वीकार किया है, स्वीकार किया है उन्होंने। और आज आपकी हाजिरी श्री जी और साक्षी गोपाल जी के श्री चरणों में ऐसे ही लगेगी कि श्री जी आप पर कृपा करें, साक्षी गोपाल जी आप पर कृपा करें और आपकी भक्ति बनी रहे। और जिन जिन भक्तों ने ना कमेंट के माध्यम से येलो बोला तो सच में आज आपके लिए लकी दिन है, आपके लिए लकी दिन है। आप उस दिन को स्पेशल दिन बनाइए क्योंकि श्री जी ने आपके भावों को स्वीकार किया है, ठाकुर जी ने साक्षी गोपाल जी ने आपके भावों को स्वीकार किया है। तो ये बहुत ही प्यारी बात है और आनंद लेते रहिएगा। और जो भक्त बरसाना धाम से दूर हैं और आना चाहते हैं नहीं आ पा रहे हैं तो मानसिक रूप से YouTube चैनल दीदी के बांसुरी से लाइव का आनंद लीजिए। और जो बड़े भाग्यशाली हैं जो श्री बरसाना धाम में उपस्थित होंगे, जो बरसाना धाम में नव वर्ष मनाएंगे, राधा नाम के सहारे अपने नव वर्ष की शुरुआत करेंगे, तो हम तो आनंद लेने वाले हैं। जो भी कोई आना चाहता है आ जाइए, छोड़ दीजिए, देखिए निकल जाइए, निकलिए तो सही, आप निकलिए तो सही, जैसे भी होगा श्री जी अपने आप आपको बुला लेगी। श्री जी आपसे कोई दूर नहीं है, बरसाना दूर नहीं है, आप आइए और सच में यहाँ का आनंद ना जन्नत भी फीकी लगेगी। अगर आप बरसाना धाम में अगर आज आपने नव वर्ष की जो मंगला अगर आपने बरसाना धाम की कर ली ना तो जीवन में सब कुछ फीका लगने लगेगा जी, मेरा विश्वास है। आकर देखिए जन्नत, जन्नत में क्या रखा सब खाक जमाने में, कहीं और नहीं मिलता जो सुख बरसाने में, जो सुख आपको कहीं नहीं मिल सकता, जो सुख आपको बरसाना धाम में मिलेगा। आइए मेरे प्यारे मेरे भक्तों, आइए तो सही राधा नाम के सहारे। तो आप आइए, श्री जी से क्यों दूर हैं, श्री जी तो आपके पास में है। और आज हमारा शाम का लाइव बहुत ही स्पेशल होने वाला है, ठीक 7:30 बजे श्री राधा रानी की लोरी के साथ। और यहाँ हम श्री जी की जो मुख्य द्वार की सीढ़ियाँ हैं यहाँ हम राधे राधे बोलकर अपना लाइव विराम करेंगे। जय हो लाडली लाल की। और देखिए कई भक्त तो आ चुके हैं बरसाना धाम में, कई भक्त तो आ चुके हैं बरसाना धाम में और कई दिन 2-3 दिन तक श्री बरसाना धाम के आनंद को, जन्नत को महसूस करेंगे। और कल सुबह सुबह ही पूरी तरह से बाजार की भीड़ इस तरह आपको देखने को मिलेगी। श्री जी के मुख्य द्वार का रास्ता है, यहाँ सभी दुकानों में दुकानें सज चुकी हैं, यहाँ श्री जी की गोपाल जी ठाकुर जी की पोशाकें और यहाँ मिठाई बरसाना के पेड़े, ये बहुत ही अद्भुत है। आइए आनंद लीजिए और श्री जी की पोशाक श्रृंगार का भी आनंद लेते रहिए। सच में पूरा मार्केट ऐसा लगता है कि यहाँ महक आती है, यह महक आती है इत्रों की, यह महक आती है ठाकुर जी के श्रृंगार की। तो ये सच में बहुत ही अद्भुत है, प्यारा है। आप आइए राधे राधे बोलकर अपनी हाजिरी लगाइए, दूर है अगर श्री जी से तो लाइव के माध्यम से आनंद लीजिएगा। कल का लाइव भी मंगला का होगा फिर 10 बजे का होगा, तो जरूर राधा नाम के सहारे अपने दिन की शुरुआत कीजिए और शुभ रात्रि भी राधा नाम के सहारे कीजिए। राधे राधे। ये आप देख रहे हैं, यह श्री राधा रानी का परिक्रमा मार्ग है
यहीं से परिक्रमा स्टार्ट होती है और ये श्री राधा रानी का, श्री राधा जी की अटारी का रास्ता है। वैसे तो आपको ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हर जगह बैनर लगे हुए हैं। बैनर लगे हुए हैं, आपको ना कहीं जाने में आने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप आइए, राधा रानी की परिक्रमा दीजिए। और पता है हाथरस के तो तकरीबन 100-125 लोग, हाथरस से 9 वर्ष में ना कम से कम 100-125 लोग भक्त श्री जी की दंडवती परिक्रमा करते हैं हर साल। तकरीबन 10 साल से तो मुझे देखते देखते हो गया, 10 सालों से तो मैं देख रहा हूँ कम से कम 100-150 क्या बल्कि और ज़्यादा लोग होंगे, और ज़्यादा भक्त होंगे जो श्री जी की ऐसी शीत ऋतु में दंडवती परिक्रमा करते हैं ऐसी रास्ते से, और 9 वर्ष श्री जी के साथ मनाते हैं। धन हो ऐसे भक्त जो लाडली जी को इस तरह कुछ इस तरह रिझाते हैं। इतनी शीत ऋतु में छोटे छोटे बच्चे सिर्फ बस यही बात कहते हैं, राधा 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 का गुणगान करते हैं। सुबह सुबह 5 बजे भोर के समय दंडवती पूरी तरह से चकामचक भरी हुई चलती है। राधा नाम, राधा नाम कुछ इस तरह से उनकी जुबान पर होता है। सुबह सुबह जब हम जगते हैं ना, जब ऐसा लगता है राधा 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 की गूंज हमारे कानों में महसूस होती है। यह आनंद है ब्रज का, यह ब्रज रज का आनंद है जिसे हम सब महसूस करते हैं। आप भी महसूस कीजिए और दौड़े चले आइए बरसाना धाम। छोड़ दीजिए सब कुछ, श्री जी पर छोड़ दीजिए। एक बार छोड़ कर तो देखिए, देखते हैं घर वाले जो कहेंगे कहने दीजिए। आइए तो सही, यहाँ का आनंद लीजिए। श्री जी का आनंद सच में बहुत प्यारा है। कई भक्त तो ऐसे बिना बताए आ गए। मैंने एक आध भक्त से पूछा कि और भैया कैसे आए, कहने के भैया अभी तो श्री जी कृपा करेंगी कि मम्मी पापा को बताया नहीं है, जब पूछेंगी तो कह दूंगा श्री जी के बरसाना धाम में हूँ। जो भी होगा श्री जी पर छोड़ दिया, जैसे श्री जी कृपा करेंगी। तो आप देखिए अपने घर वालों से बताकर आइए, ज़रूर बताकर आइए, और बस उन्हें मनाइए, उन्हें मनाइए कि हमको जाना है बरसाना धाम ले चलिए, कहीं और नहीं जाना हमें, तो हमारा सुख तो बरसाना धाम में है। बरसाना धाम का आनंद लीजिए और आते रहिए बरसाना धाम। और जय हो राधा रानी की, जय हो विश्वान दुलारी की। तो सभी भक्तों को राधे राधे, राधे श्याम, श्री लाडली लाल विजयते तराम। मिलते हैं ठीक 7:30 बजे फेसबुक पेज मेरी राधा रानी से। जय हो लाडली लाल की, जय हो।